गाइस आज जो हम CDS में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारे पास कहां तक की कट ऑफ जो है वो ऑफिशियल है। तो हमारे पास जो है CDS 2020 तक कट ऑफ ऑफिशियल है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि CDS 1 2021 भी हो चुका है और 2 2021 भी हो चुका है। ये नवंबर में हुआ था और ये फेब में हुआ था। इनकी अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो CDS 1 2022 का होगा, तो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, ठीक है। तो मैं आपको इतनी कट ऑफ बता देता हूँ जो अभी तक ऑफिशियल है, तो आपको दिख रही होगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे CDS 1 2020 2019 की IMA की जो है 116, 134, 130, उसके बाद में इसकी जो गई है वो गई है आपकी 139, ओके 139, और AFA की गई है 152, जो काफ़ी बड़ा जंप है आप देख सकते हैं, और INA की गई है आपकी 134, और ये जो गई है OTA की 97। और गाइस एक बात और मैं बता दूं, इसमें जो कट ऑफ आप देख रहे हैं पेपर की वजह से कम ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप जंप देखिए इस जगह पे, ठीक है, और आप यहाँ पे तो और ज्यादा भी देख सकते हैं। तो पेपर पैटर्न जब टफ होगा तो फिर कट ऑफ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि दो एग्जाम आपके निकल चुके हैं इसके बीच में, ठीक है, और कट ऑफ जो है यहाँ से 152 से मिनिमम आप जैसे समझ लीजिए 160 जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 139 से 150 या फिर 145 कहाँ से कब चली जाए कोई गारंटी नहीं, तो मिनिमम आप टारगेट 150 तो लेके चलिए, सेम यहाँ पे 140, और ये भी आपकी 105 पहुँच चुकी होगी, ओके। अभी तक ये मिनिमम पहुँच चुकी होगी, आपको जो है इससे ज़्यादा टारगेट ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ एक और बात बता दूँ, ये OTA जो है मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है, मार्कर बोल गया, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, मैन एंड वुमेन फीमेल दोनों के लिए, ओके बाय।